नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं अपने शहर हिसार में और हिसार में मेरे साथ हैं 80 साल के वैद्य छबीलदास नेहरा जी। छबीलदास नेहरा जी ने 58 साल तक आयुर्वेद की प्रैक्टिस की है। आयुर्वेद के जो मंत्र हैं, आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, आयुर्वेद का जो ज्ञान है, इनको कंठस्थ याद है। और पिछले 3 साल से ये वैदगिरी छोड़ के भगवान का जो भजन है वो कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे आग्रह पे इन्होंने आयुर्वेद पर बातें करने का मन बनाया है। तो आज वैद्य छबीलदास नेहरा जी से पूछेंगे कि आयुर्वेद में उन्होंने किन किन बीमारियों को साधा है और किन किन बीमारियों का घर पे आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो वैद्य जी का स्वागत करते हैं हम। वैद्य जी, आपका स्वागत है। अच्छा वैद्य जी, एक मैं जैसे इंटरव्यू करता रहता हूँ वैद्यों की, तो एक जो ज़्यादातर लोग बहुत सवाल, दो सवाल आमतौर पर पूछते हैं लोग। एक तो आजकल है ना, बच्चे ना होने की समस्या बहुत भारी है, मतलब औरतों को फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। ये दो बातें हैं, मतलब औरत की दो ट्यूब होती हैं, दो नलियां होती हैं, जो रज बहाती है, आदमी का वीर्य, औरत का रज, हम रज बोलते हैं उसको जी। तो वह ट्यूब बंद होती हैं कईयों की जन्मजात। अच्छा, उनका ना इलाज, ना एलोपैथी में ना आयुर्वेद, ठीक है। अच्छा, कई आदमी ऐसे होते हैं, मर्दानगी शक्ति तो पूरी होती है उनमें, क्योंकि कीटाणु होते हैं नील, जीरो सीमन जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, जीरो सीमन उसका नहीं होगा कि मैं भी, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, बिल्कुल प्रकृति ने गढ़ दिया हो ऐसा ही वैसे। अच्छा, तो ये तो बहुत महंगे महंगे इलाज करते हैं कई वैद्य तो उनका। कौन? जीरो सीमन का? और नहीं होता, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ठगी करते हैं लोगों के साथ। हाँ, बाकी बच्चादानी में सूजन हो, मेंसी ठीक नहीं आते हों, रुके हुए हों, उसका इलाज हो जाता है। दोस्तों, ये हैं वैद्य छबीलदास नेहरा जी, 80 साल की उम्र है, देख लो कैसे फूल से पड़े हैं। तो बहुत रोगों का इलाज किया है, कुछ बातें हमें भी बताई हैं। फिर मौका मिल गया तो नेहरा साहब से फिर बातें करके जाएंगे। आपको किसी स्पेशल रोग की जानकारी इनसे पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले इंटरव्यू में इनसे उनके जो नुक्ते हैं वो पूछ के आपको बता दूंगा।